दुर्गा पूजा और दीपावली में कोरोना गाइडलाइंस का पालन के लिए सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करने को लेकर आज धनबाद के न्यू टाउन हॉल में शांति समिति की बैठक की गई। इस मौके पर धनबाद के उपायुक्त संदीप सिंह, एसएसपी संजीव कुमार, एसडीएम के अलावे जिले के सभी थाने के थाना प्रभारी और शांति समिति के लोग उपस्थित रहे। इस दौरान शांति समिति के लोगों द्वारा विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं धनबाद उपायुक्त संदीप कुमार सिंह ने कहा है कि कुछ दिनों के बाद ही दुर्गा पूजा है, इस संदर्भ में सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करने को लेकर आज शांति समिति की बैठक की गई। बैठक में सभी थाने और सभी सीओ को निर्देश दिया गया है थाने में शांति समिति की बैठक किया जाए, साथ ही कोविड-19 को देखते हुए सरकार के दिए गए निर्देशों का पालन करें। की बैठक रखी है जिसमें सभी प्रशासनिक पदाधिकारीगण, सभी पुलिस पदाधिकारीगण और विभिन्न क्षेत्रों से जो जिला शांति समिति के सदस्य हैं वो लोग आए हुए हैं। आगामी दुर्गा पूजा, दशहरा, इन सब को देखते हुए एक सरकार की जो वर्तमान में कोविड गाइडलाइन है उनका पालन करते हुए कम्युनल हार्मनी के साथ पीसफुल एनवायरनमेंट में ये सभी त्यौहार मनाए जा सकें, उसी के क्रम में अलग अलग क्षेत्रों की स्थिति की जानकारी ली गई है, उनकी समीक्षा की गई है। पास्ट में जहाँ पर कहीं कुछ इस तरह के कम्युनल इंसिडेंट्स हुए हैं तो उनमें फॉलोअप करके एक्शन वगैरह इंश्योर कराना, 107 या जो अन्य प्रिवेंटिव एक्शंस हैं उनकी कार्यवाहियाँ का स्टेटस सभी थानों से लिया गया है और विस्तृत दिशा निर्देश सभी थानों को, अंचल अधिकारियों को, मंडल पदाधिकारी को और बाकी टीम को दिया गया है कि सभी के सहयोग से थाना स्तर पर शांति समिति की बैठक वगैरह करते हुए ये इंश्योर कराएंगे कि आने वाला जो पूरा फेस्टिव सीजन है वो एक शांतिपूर्ण माहौल में धनबाद जिले में संपन्न हो। मुखर संवाद के लिए धनबाद से ए मलिक की रिपोर्ट। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तान।